प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 एट्थ क्लास मैथ है जी। क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर 6। तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। लो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 512। क्यूब रूट निकालना तो 512 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो, दो से डिवाइड होता जाएगा। तो देखो कितने ट्रिपलेट बन गए, एक जे ट्रिपलेट बन गया, दो का दूसरा जे, तीसरा जे ट्रिपलेट बन गया। इनमें से एक एक निकाल लो, दो दुनी चार दुनी आठ, तो आठ आ गया क्यूब रूट ऑफ 512। ये तो वैसे आप वैसे भी कर सकते हो बिना जे किए, अठ अठा चौंठ अठा 512 सीधा भी पता चल जाता है। जहां फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728, सेकंड नंबर 1728। तो इसकी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, पहले टू से डिवाइड होता जाएगा, फिर तीन से, फिर इनके बना लो ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट जे बन गया, एक ट्रिपलेट जे, एक ट्रिपलेट जे, तीन बन गए। इनमें से एक एक उठा लो, दो इंटू दो इंटू तीन, तीन दूनी छः दूनी 12, 12 आंसर आ गया। तो बी पर टिक लगा लो, जहां डी पर टिक लगा लेनी आपने, एट आया ना। तो थर्ड पार्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1331, 1331 ये 11 पे डिवाइड होता जाता है, 121 फिर डिवाइड करोगे 11, फिर 11 एकम 11, तो इनमें 11 इंटू 11 इंटू 11, तो क्यूब रूट डालेंगे तो कितना आ गया 11, 1 11 11 121 11 1331। तो ए पर टिक लगा लो। फोर्थ, अ परफेक्ट क्यूब एंड्स विद अ डिजिट 2, व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ अ क्यूब रूट। क्यूब रूट का वंस डिजिट निकालना तो कितना होगा, ठीक है। लो पहले 4 का क्यूब हम देखते हैं तो 64 है, 2 का क्यूब देखते हैं तो 8 है, 6 का क्यूब देखते हैं तो 216 है, 8 का क्यूब करते हैं तो 512 है। अब हमने इसका क्यूब रूट चेक करना, क्यूब रूट वंस डिजिट किसका देखना है, जो इसका इसने लिखा हुआ क्यूब रूट का, क्यूब रूट का वंस डिजिट है वो कौन सा आएगा। आप देखो जरा ध्यान से, अगर क्यूब रूट 64 का करें तो 4 आता है, 8 का करें 2 आता है, 216 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 आएगा, 512 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्यूब रूट ऑफ 512 निकालेंगे ना, तो उसका जो क्यूब रूट आता है वो 8 आता है। इसका मतलब इसका जो वन डिजिट ऑफ क्यूब रूट, जो 512 का क्यूब रूट है वो कितना 8, इसका यूनिट डिजिट ही आ गया जी 8। तो इस पर टिक लगा लो, डी आंसर आ जाएगा। इसने क्यूब रूट पूछा है ना, अभी कितना है, क्यूब रूट का वंस डिजिट पूछा है, तो वो जे इसका ही आएगा 8 का भी। एक बार इसे फिर समझ लो आप अच्छी तरह। इसने पूछा परफेक्ट क्यूब एंड्स विद द डिजिट 2, अगर इसका क्यूब करें जहां भी 2 नहीं वंस डिजिट, इसका भी 2 नहीं आया क्यूब किए, इसका भी 2 नहीं आया 6 का, इसका जब क्यूब किया तो वो कितना आ गया 2, यही कहा है ना उसने। इसका मतलब अगर आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो इसका वंस डिजिट कौन सा 8 ही आएगा। जहां देख लो निकाल के भी बताया आपको, क्यूब रूट ऑफ 512 कितना 8, अठ अठा चौंठ अठा 512, जहां मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली करके आपको बताई है 512 की, जहां भी की हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन जहां भी था ना, तो जी आंसर आ गया। कितना डी पर टिक लगा लेना।